हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद उत्मा मेकओवर। आई होप यू आर गुड। आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना इस फेस्टिवल किया जाए बॉलीवुड स्टाइल मेकअप लुक। जी हाँ, तो ये भी लुक है दीपिका पादुकोण से इंस्पायर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है। एंड या फिर इसी लुक को देखते हैं मैं कैसे क्रिएट करती हूँ। मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताया है, लेकिन उससे पहले गाइस, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा गाइस। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है इन दिनों फेस्टिव सीजन भी है एंड वेडिंग सीजन भी है, तो क्यों ना थोड़ा स्किन केयर कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है पॉमिंग ग्रेन स्क्रब गुड वाइब्स का, एंड आपको पता है कि ये बहुत अच्छा होता है। तो गाइस, जब भी आप स्क्रब करें उससे पहले आप अपने फेस को वॉश कर लें, तभी आप स्क्रब करना। मैंने यहाँ पर किया हुआ है और अपने हाथों में हल्का सा पानी ले करके ही तभी आप स्क्रब करें, काफ़ी अच्छे से होगा। एंड काफ़ी हल्के जेंटल मसाज दें अपने फेस पर, एंड जहाँ के एरिया आपके डार्क हैं वहाँ पर ज़्यादा लाइक आप मसाज दें एंड फेस वॉश करके उसे क्लीन कर लें। तो यहाँ पे मैंने ड्राई अप कर लिया है। एंड या इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज टोनर। तो स्क्रब करने के बाद हमेशा ही फेस को टोनिंग करें। एंड या फटाफट से स्किन केयर कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का एलमंड फेशियल ऑयल, और ये बादाम, जैसा कि आपने देखा बादाम वाला ऑयल है, और ये बहुत अच्छा लाइक ये ऑयल था। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा था, इसने मेरे स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना दिया। एंड यार, इसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर ली हूँ, गुड वाइब्स का ही है। जितने भी आज मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं सारे गुड वाइब्स के ही हैं। तो फटाफट से गाइस, स्किन केयर करने के बाद मैं कॉस्ट्यूम भी चेंज कर लेती हूँ। एंड या आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर की हुई है, और जैसे कि दीपिका पादुकोण का मेकअप लुक है तो आपको साड़ी ही वेयर करना था। तो गाइस, स्किन केयर के बाद अब हम सीधा मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है ब्लू हेवन का प्राइमर, और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी ताकि जो हमारा ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए एंड हमारा जो मेकअप हो काफ़ी अच्छा हो। अगर आप वेडिंग पार्टी के लिए भी मेकअप लुक कर रहे हो तो कर सकते हो, या फिर फेस्टिव लुक के लिए भी आप ये मेकअप लुक कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। एंड या इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर करेक्टिंग भी की हुई है। तो कलर करेक्टिंग लाइक वही ऑरेंज एंड ग्रीन कलर करेक्टिंग की थी, बिकॉज मेरे यहाँ पे पिंपल्स के थोड़े से मार्क रह गए हैं इस वजह से। एंड या इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, जैसे कि आपने वीडियो में अभी देखा। एंड इसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे 2 फाउंडेशन का यूज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का अप्लाई कर लिया है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो। एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये ऑरेंज कंसीलर ले रही हूँ, और जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा और ज़रूरत है कलर करेक्टिंग की तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर लिया। एंड इसको फिर ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं 2 शेड अप्लाई करने वाली हूँ। फर्स्ट शेड था हमारा ब्लू हेवन का, तो ये सेकेंड शेड है ये फिटमी का। तो इसको भी पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी डॉट डॉट करके, फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे बेस काफ़ी अच्छा सा बन के तैयार हो गया है, और बहुत ज़्यादा स्मूथ बेस बना है। इसके बाद मैं यहाँ पे कंसील कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, अपने अंडर आई को सेट कर लूँगी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो थोड़े बहुत ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट कंसीलर वाले लगे हैं उसी को मैं अपने अदर फेस पे अप्लाई करूँगी। एंड इसके बाद कंटूर करने के लिए मैं ब्लू हेवन का कंसीलर ले रही हूँ, कंटूर कंसीलर। और जैसे कि नोज़ पे, चिक पे, आप जहाँ पे भी कट देना चाहते हो, लाइक शार्प बनाना चाहते हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर लें। एंड या इंस्पायरिंग लुक है, तो गाइस, दीपिका पादुकोण का तो एक्टर का लुक है तो ऑफकोर्स कंटूर तो होगा ही, तो मैंने यहाँ पे कंटूर कर लिया है। एंड या इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे का सन एक्सपर्ट 40++, और इसको भी मैं अपने आइज़ के आईलिड, फोर हेड, लाइक पूरे बेस पर सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट को। तो इसको भी अच्छे से सेट कर लेते हैं फटाफट से, और फिर बढ़ते हैं वीडियो में और आगे। तो अब बारी है ब्लश का। तो मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का मैट सिमरी ब्लश, और या फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने चिक पे। तो पहले आज मैं बेस मेकअप पूरा कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद ही आई मेकअप करूँगी मैं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाइलाइटर, और ये मार्स का हाइलाइटर है। एंड वाओ, आप देख सकते हो ये हाइलाइटर कितना ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है। तो इसको मैं अपने फोर हेड पर भी अप्लाई करूँगी, नोज़ पे, जो लाइन पे, सॉरी जो लाइन नहीं, चिन पे, एंड या लिप्स पे भी, प्रोबोन एरिया पर भी अप्लाई कर लूँगी, एंड जो हमारा चिक बोन है वहां पे भी अप्लाई कर लूंगी। तो गाइस, यहां पे हाइलाइटर हो गया है डन। अब करेंगे आईब्रो को फिल। तो इसके लिए मैंने यहां पे ये वाला शेड लिया है आई शेडो पैलेट से, और इसको अच्छे से फिल कर लेना है। दीपिका पादुकोण के आईब्रो की बात की जाए गाइस, यहां तक तो काफी उनका ना आर शेप आईब्रो है एंड काफी थिक आईब्रो है, तो हम भी उसी हिसाब से आईब्रो को फिल करेंगे। एंड आप देख सकते हो ये हो गया है डन, तो हम इसको भी डन कर लेते हैं। तो गाइस, आईब्रो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं यहां पे ये वाला शेड ले रही हूं, सेम हुड्डा
ब्यूटी के पैलर से, सॉरी हिरेली हुटा के पैलर से, और इसको मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी शेड को। गाइस ये टू शेड का आई लुक है। फर्स्ट शेड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, बस आप अच्छे से ब्लेंड कर लेना फुल आईलिड पे। फर्स्ट आपको क्रीज पे अप्लाई करना है एंड फिर उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को आईलिड पे भी अप्लाई कर लेना। एंड इसके बाद गाइस मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और ये है सिल्स प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। तो इस शेड को गाइस मैं अपने आईलिड पे ही अप्लाई करूँगी और बहुत अच्छे से ब्लेंड करें और ध्यान रखें कि ज़्यादा प्रोडक्ट यूज ना करें, काफ़ी मिनिमम में ही करना है। आई लुक काफ़ी मिनिमम में ही दीपिका पादुकोण का है। तो या इसी आई शेडो को मैं अपने लोअर आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी। तो आईलाइनर के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैबलिन का आईलाइनर और इसको बिल्कुल दीपिका पादुकोण ने जैसे विंग आईलाइनर क्रिएट किया है बिल्कुल वैसे यहाँ पे विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी मैं। एंड इसके बाद मस्कारा के लिए मैं मैबलिन का मस्कारा ले रही हूँ और अच्छे से आईलैशेस को कोट करूँगी, बिकॉज दीपिका पादुकोण का ओरिजिनल आईलैशेस है, उन्होंने फेक आईलैशेस का यूज़ नहीं किया है। तो मैं भी ओरिजिनल आईलैशेस यहाँ पे शो करूँगी, इसलिए अच्छे से अपर एंड लोअर आईलैशेस को कोट कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैबलिन का काजल और इसको हाफ आईलिड पे अप्लाई करूँगी। आप देखो दीपिका पादुकोण का आई लुक, तो उन्होंने हाफ आईलिड पे काजल का यूज किया है, तो मैं भी काजल का यूज हाफ आईलिड तक ही करूंगी। एंड या इसके बाद मैं ले रही हूँ हुड्डा ब्यूटी का लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक है ये, और या फिर इसको अप्लाई करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो दीपिका पादुकोण ने भी रेड लिपस्टिक लगाया हुआ है। तो इसके साथ ही गाइस मेकअप लुक डन होता है। तो मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ फिट मी साइन का ये मेकअप फिक्सर, तो इसके हेल्प से मैं अपने मेकअप को कर लूंगी सेट। अब आ रही है हेयर स्टाइल की, तो हेयर स्टाइल के लिए गाइस मैंने फ्रंट से थोड़ी सी सेक्शनी ली है और उसको ट्विस्ट करना है जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हो, और पूरे एंड तक कर लेना है। फिर थोड़े से हेयर की सेक्शनी लूँगी और उसको भी सेम उसी तरीके से ट्विस्ट करूँगी जैसे कि मैंने फ्रंट के हेयर को ट्विस्ट किया है। और फिर दोनों ही हेयर को ट्विस्ट करने के बाद दोनों को साथ में मिला के फिर से ट्विस्ट कर लें एंड या उसको फिर बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। तो इसके बाद गाइस मैं ले रही हूँ रबर बैंड और रबर बैंड के हेल्प से मेरे जो बाकी के हेयर हैं मैं उनको सिक्योर कर लूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ डोनट और ये है यूपिन, और इसके से मैं अपने डोनट को सिक्योर कर लूंगी ताकि वो सेफ रहे। इसके बाद मैं अपने हेयर को डोनट पे फैला लूंगी और रबर बैंड की हेल्प से मैं उसको सिक्योर कर दूंगी। बाकी के जो मेरे हेयर बचे हैं उसको टू पार्टीशन कर लेना है और उसको ऐसे ट्विस्ट कर लेना है जैसे अभी आप देख रहे हो। तो सेम का इसमें इस वाले हेयर को भी ऐसे कर लूंगी और यू पिन की हेल्प से मैं उसको सिक्योर कर दूंगी। पीछे के साइड से आपको बस राउंड करना है एंड फिर उसको यू पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। तो गाइस ये हेयर स्टाइल डन हो चुका है सेम दीपिका पादुकोण की ही तरह। तो अब इयर रिंग को भी वेयर कर लेते हैं और इयर रिंग को भी मैंने यहाँ पर वेयर कर लिया है। तो गाइस लुक यहाँ पर डन हो चुका है, बस एक चीज रह गई है वो है बिंदी, तो वो भी मैं लगाकर आती हूँ। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है, मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी ना। तो आई होप आपको ये मेरा मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया हो जो कि मैंने दीपिका पादुकोण से इंस्पायर होकर क्रिएट किया है। मेकअप काफ़ी सिंपल और सटल है और ज्वेलरी गाइस बस हैवी है, और ज्वेलरी इसीलिए मैंने हैवी वेयर की है बिकॉज दीपिका पादुकोण ने हैवी ज्वेलरी वेयर की हुई है। सो आई होप आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और आप इस लुक को गाइस फेस्टिव पार्टी वेडिंग पार्टी के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।